हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोशल साइंस टीचर। कंटिन्यूइंग द चैप्टर 6 ऑफ यूनिट 3, नेमली द जुडिशियरी। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स सम रिमेनिंग टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, यूनिट 3 के चैप्टर 6 जिसका नाम द जुडिशियरी है, उसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी, न्यायपालिका का ढांचा। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियरी इज लाइक ए पिरामिड। भारतीय न्यायपालिका का जो ढांचा है वो पिरामिड की तरह है। द सुप्रीम कोर्ट विच एट द टॉप हैज हाई कोर्ट्स बिलो इट। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर का न्यायालय है और उसके नीचे उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं। द हाई कोर्ट्स इन टर्न हैव लोअर कोर्ट्स बिलो देम, और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट्स के नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या जिला कचहरी भी कहते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज। वी हैव ए सिंगल एंड यूनाइटेड जुडिशियरी। हमारे यहाँ एक और संयुक्त न्यायपालिका है। दिस मीन्स अ केस में बी टेकन फ्रॉम द लोवेस्ट कोर्ट टू द हाइएस्ट कोर्ट थ्रू अपील्स। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम किसी भी केस को सबसे निचली अदालत से सबसे ऊपर की अदालत तक अपील के माध्यम से ले जा सकते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। हमारे देश का जो सबसे उच्चतम न्यायालय है उसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, या हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका नेतृत्व चीफ भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, जिसे इन शॉर्ट हम लोग CJI भी कहते हैं। इट कैन एट प्रेजेंट हैव अ मैक्सिमम ऑफ 30 अदर जजेज। इसमें अधिकतम 30 जज होते हैं, बट एट प्रेजेंट देयर आर 34 जजेज इन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है। द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज दिस नंबर। हमारी पार्लियामेंट इस संख्या को बढ़ा भी सकती है, अर्थात जो 30 से 34 हुई है नंबर, उसको हमारी पार्लियामेंट ने ही बढ़ाया है। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज, नेक्स्ट टॉपिक। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स द अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करते हैं, अर्थात अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करते हैं। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ 65। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायर होने की उम्र 65 वर्ष है। ही कैन आल्सो बी इम्पीच्ड बाई एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट इफ द पार्लियामेंट फाइंड्स हिम गिल्टी ऑफ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी आर प्रूवन मिसकंडक्ट। उसके ऊपर महाभियोग भी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश से, लेकिन अगर राष्ट्रपति आदेश कब देगा, जब पार्लियामेंट उसको शक्ति के दुरुपयोग या गलत आचरण के आधार पे उसके ऊपर कोई दोष लगाती है, उसको दोषी पाती है, तब राष्ट्रपति महोदय के आदेश से उसके ऊपर महाभियोग शुरू किया जा सकता है। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ और कार्य। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसका मौलिक अधिकार क्षेत्र क्या है, अर्थात कौन कौन से केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर केसेज इन्वॉल्विंग सुप्रीम कोर्ट में के मौलिक अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित केस सम्मिलित हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन टू आर मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद है, इस तरह का केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन आर मोर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट
या राज्य सरकार के बीच में भी कोई विवाद होता है तो वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। डिस्प्यूट्स इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन आर मोर स्टेट गवर्नमेंट्स अपोज वन आर मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऐसा विवाद जो केंद्र सरकार का एक या राज्य से विवाद है या केंद्र सरकार का कई राज्यों से विवाद है या केंद्र सरकार के किसी प्रस्ताव का एक राज्य या कई राज्य विरोध कर रहे हैं तब ऐसा भी केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज जो नियम बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा जिसको हम लोग केंद्रीय कानून कहते हैं इस कानून के अगर संवैधानिक वैलिडिटी चेक करवाना है तो ऐसा भी केस क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। अर्थात पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है अगर इस संविधान के अनुरूप है या संविधान के विपरीत है तो इसका भी निर्णय हमारी सुप्रीम कोर्ट ही करती है और इस तरह का सीधे केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। ओके कम टू नेक्स्ट टॉपिक अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ओवर सुप्रीम कोर्ट अपील के माध्यम से भी निम्नलिखित केसेस की सुनवाई करता है। केसेस ब्रॉट इन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के निर्णयों के अगेंस्ट में अगर हम अपील दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो हमारा उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के डिसीजंस के पर भी सुनवाई करता है। केसेस दैट रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की व्याख्या करने की ज़रूरत है तब भी सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। केसेस दैट हाई कोर्ट सर्टिफाई शुड बी ट्राइड इन द सुप्रीम कोर्ट और ऐसे केस जिसको कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए रेफ़र कर देता है कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए तो हाई कोर्ट के रेफ़र जो केसेस रेफ़र करता है उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। केसेज इन विच हाई कोर्ट चेंजेज लोअर कोर्ट डिसीजन एंड गिव्स ए डेथ सेंटेंस और ऐसे केस जिसमें लोअर कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट ने बदला हो और उसमें मृत्युदंड दिया हो तो ऐसे केस की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। केसेज दैट रिक्वायर द रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ओन जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के पहले के दिए हुए निर्णय की अगर समीक्षा करनी है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही समीक्षा करता है। अगर किसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है तो प्रभावित पक्ष अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है फिर से उस फैसले पे विचार करने के लिए। तो ये जो अभी केसेस थे इनको हम अपील के माध्यम से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि एक केस की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट करते हैं। ओके कम टू नेक्स्ट टॉपिक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ओवर द प्रेसिडेंट हु कैन सीक इट्स एडवाइस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। कभी कभी जब राष्ट्रपति महोदय हमारे संवैधानिक मुद्दों पर सलाह मांगते हैं कि जो हम स्टेप उठाने जा रहे हैं संविधान के अनुरूप है या विपरीत है ऐसे मैटर्स में भी सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का अधिकार होता है। दिस एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह प्रेसिडेंट के लिए बाध्य नहीं होता है अर्थात राष्ट्रपति महोदय उस सलाह को स्वीकार करें या ना करें यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन निरीक्षण करने का अधिकार। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल कोर्ट्स बिलो इट। सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे की सभी अदालतों की देखरेख या नियंत्रण करने का भी इसको अधिकार होता है। ओके कम टू नेक्स्ट टॉपिक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द सुप्रीम कोर्ट कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इट्स डिसीजन सो दैट लोअर कोर्ट्स कैन कंसल्ट दीज इन सिमिलर केसेस। द सुप्रीम कोर्ट अपने सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखता है ताकि निचली अदालतें उस तरह के मामलों में इससे कुछ सलाह पा सकें अर्थात कुछ मार्गदर्शन पा सकें। ए कोर्ट दैट कीप्स सच रिकॉर्ड्स इन ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
ए कोर्ट दैट कीप्स सच रिकॉर्ड्स, और कोई भी न्यायालय जो इस तरह का रिकॉर्ड रखता है उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते हैं वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के लिए रूल बन जाते हैं, इसीलिए उनके निर्णयों को रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो।